नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। वोटिंग शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नितिन गडकरी हो सकते हैं महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। कुछ देर पहले ही मोहन भागवत से उनकी मुलाकात हुई है और नागपुर में संघ कार्यालय में ये मुलाकात की गई है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने में बचे हैं महज दो दिन बाद सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है। दो दिन ही समय बचा है और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि नितिन गडकरी अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर है, आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा होता है एक बड़ा पलटफेर इस पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिलेगा। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए वाशिंद मिश्र एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाशिंद सर, जिस तरीके से ये नई अब रणनीति देखने को मिल रही है, जहां पहले बीजेपी कह रही थी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही रहेंगे, लेकिन अब जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि नितिन गडकरी को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, अलग राजनीति, अलग रणनीति, क्या मायने निकाले जा रहे हैं इसके? देखिए ममता, नितिन गडकरी की महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग तरह की स्वीकार्यता रही है जी। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी में जितने प्रिय हैं उतने उससे ज्यादा प्रिय वे कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना के लिए भी रहे हैं। बिल्कुल। और नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के रूप में जो काम किया था, उस काम को आज भी महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र के जो नेता हैं वो याद करते हैं। नितिन गडकरी का महाराष्ट्र के मंत्री के रूप में जो परफॉर्मेंस रहा वो बेहद अव्वल दर्जे का रहा। तो पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए संघ परिवार ने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने संभवतः अब गडकरी के नाम को आगे करके वहां सरकार बनाने की कोशिश शुरू की है, क्योंकि शिवसेना का की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा देवेंद्र फडणवीस को लेकर है और इसीलिए शिवसेना की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा किया जा रहा है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस को हटाकर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करे और शिवसेना उसको सपोर्ट करे जी। बाकी बातें जो कही जा रही हैं मीडिया में या जो छप रही हैं या टीवी चैनलों पर जो दिखाई दे रही हैं, वो महज प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है शिवसेना की तरफ से जी। शिवसेना को भी पता है कि संख्या बल के आधार पर मुख्यमंत्री की कुर्सी शिवसेना को नहीं मिल सकती, लेकिन उनका मकसद देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी एक्सेप्टेबल नाम को मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचाना है, इसलिए शिवसेना भी अड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और दिल्ली का जो नेतृत्व है उसकी तरफ से ये जरूर कोशिश हुई थी कि देवेंद्र फडणवीस को ही कंटिन्यू रखा जाए जी। जी वाशिंद जी, आपसे एक और चीज पूछना चाहेंगे। जिस तरीके से आज संजय राउत का बयान आया था, उन्होंने ट्वीट किया था कि अभी भी हम मुख्यमंत्री पद को लेकर अड़े हुए हैं, अगर नितिन गडकरी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो क्या लगता है शिवसेना जो 50-50 के फॉर्मूले पर अड़ी हुई है वो इसको लेकर मान जाएगी? एक बात और हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिस समय देवेंद्र फडणवीस को पहली बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस समय भी ज्यादातर लोगों की इच्छा नितिन गडकरी को मुख्यमंत्री बनाने की थी और नितिन गडकरी भी चाहते थे कि उनको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन उस समय बीजेपी का जो दिल्ली का नेतृत्व था वह नितिन गडकरी के बजाय देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया और नितिन गडकरी को उस समय साइडलाइन कर दिया गया था। लेकिन अब जब एकदम दोनों तरफ से विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है
और कि उसमें नितिन देवेंद्र फडणवीस के नाम पर कोई सहमति बनती दिखाई नहीं दे रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लोग, एनसीपी के लोग और शिवसेना के लोग तीनों देवेंद्र फडणवीस की जगह नितिन गडकरी के नाम पर ज्यादा कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। तो इसमें संघ परिवार और संघ का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको इंटरवीन करना पड़ा है। और अभी कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख ने देवेंद्र फडणवीस को बुलाकर बात की थी, और माना जा रहा है कि आरएसएस प्रमुख की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को ये साफ संकेत दे दिया गया था कि अब शायद दूसरा टर्म उनको न मिल सके और उनकी जगह पर कि कोई विकल्प की तलाश पार्टी के अंदर की जा रही है। और आज जब नितिन गडकरी ने उनसे मुलाकात की है तो उसके बाद इस बात की संकेत मिल रहे हैं कि संभवतः दिल्ली का जो बीजेपी का नेतृत्व है वह भी संघ प्रमुख की राय को मान ले और देवेंद्र फडणवीस को हटाकर नितिन गडकरी को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने के लिए तैयार हो जाए। अगर ऐसा होता है तो शिवसेना भी अपनी जो उनकी मांग है मुख्यमंत्री पद की उसको शायद छोड़ दे, और जब कैबिनेट का बंटवारा होगा मंत्री तो उसमें संभवतः शिवसेना को उसकी जो लाइन शेयर है या उसका जो उचित हिस्सा है वह गडकरी के जरिए दिलवा दिया जाएगा। और इस तरह से जो लगभग डेढ़ हफ्ते से डेडलॉक बना हुआ है महाराष्ट्र में, सरकार नहीं बन पा रही है, उसमें विराम लग जाएगा, उसमें फुल स्टॉप लग जाएगा। जी पाशुन जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।